देखिए विवेक जी हैं, जमुई से हैं और 2213 में इनका फाइनल नहीं हुआ था। 1275 में इनका फाइनल हुआ और जब एक बार ठोकर लगता है ना तो लोग बड़ी तरीका से काम करता है, अच्छे से काम करता है। तो जैसे कहा जाता है धोखा जब लगता है ना तब लोग संभलता है, सुधरता है। तो पहली बार में नहीं हुआ लेकिन इसका ये मतलब नहीं था कि ये टूट गए, लगातार मेहनत करते रहे। 1275 में विवेक जी का फाइनल सिलेक्शन हुआ है, एक बार इनके लिए जोर से ताली होना चाहिए। चलिए इसके बाद कुछ बोलिए, इन लोगों को मोटिवेट कर दीजिए। मेरा नाम विवेक कुमार सिंह हुआ, मैं जम्मू जिले के रहने वाला हूँ। 1275 में मेरा 165 नंबर था और मेरा दौड़ भी बढ़िया था। ओके, और दौड़ से 10 दिन पहले मेरा हाई जंप में चोट लग जाने के कारण मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। और 2213 में, और उसके पीटी में मेरा 149.8 नंबर था 2213 में। इस बार थोड़ा सा कम आया है, इस बार पीटी में मेरा 134 नंबर है और मेंस में मेरा 171.4 नंबर है। शुरू में मिलाए थे सर के नोट अथी से तो थोड़ा ज़्यादा आ रहा था, लेकिन 2-3 नंबर घट गया है वो बाद में आंसर किया आने कारण। हम एक एक ही बात कहना चाहते हैं कि जैसे जो पढ़ते हैं सेट मारते हैं, सेट मारने के बाद जो रिवीजन कर, सबसे मेन चीज़ रिवीजन होता है। क्योंकि हम एक ही काम करते थे कि सेट मारते थे, उसको बार बार रिवीजन करते थे। लड़का देखते हैं सर क्या होता है कि उस सेट तो मार लेता है, उस सेट को एक बार मार के छोड़ देता है। ओके, अगर सेट एक बार मार के छोड़ दिया तो चीज़ भूल जाइएगा। अगर सेट को एक बार मार के देखे, फिर 1-2 महीना के बाद, अगर 1 महीना के बाद उसको फिर से देखिएगा तो क्या होता है, अगर आप सेट से भी दरोगा बन सकते हैं। ओके, हम तो सर के नोट्स पढ़ते थे और थोड़ा बहुत जो सर का किताब है उस किताब को कम से कम हम 8-10 बार पढ़े हैं। जो क्वेश्चन बैंक है उसको 8-10 बार हम पढ़े हैं और क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन को बार बार लगाते थे। क्योंकि एक बार लगाने से क्या होता है, क्वेश्चन आप भूल जाइएगा, फिर बाद में आएगा उसी को गलती कर दीजिएगा। मेन यही दिक्कत होता है। अब मैं हमें एक ही काम करते, मोहम्मद अली का एक वाक है कि हमको उस बॉक्सर से, बॉक्सर था मोहम्मद अली, उनका कहना था कि हमको उस बॉक्सर से ज़्यादा डर लगता है जो कि एक ही काम को 1000 बार प्रैक्टिस करके आया है, ना कि जो कि 1000 तरीके से प्रैक्टिस करके आया है। वही कहना है कि आप 100 किताब मत पढ़िए, एक ही किताब को पढ़िए जो सर का नोट्स है, उसको बार बार पढ़िए और विश्वास रखिए आप भी 170-180 नंबर लाइएगा। 150-60 क्या, 170-80 नंबर लाइएगा। लेकिन उसके लिए क्या करना है, बार बार पढ़ना है। एक ही किताब को जितना बार पढ़िए उतना बढ़िया आपको बेनिफिट होगा, उससे सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। क्योंकि जब हम मेरा पहला बार छटा था तो दूसरा बार में हम अपना गांव चल गए थे, हमको इतना कॉन्फिडेंस था कि हम कहीं भी रहेंगे थोड़ा सर का वीडियो देखते रहेंगे और आराम से हम निकाल लेंगे। हम नहीं रहे थे दूसरा बार में उतना पटना में, हमको कॉन्फिडेंस था कि हम निकाल लेंगे ऐसे ही, क्योंकि एक बार हम निकाल चुके थे, हमको आइडिया पता था। इसलिए वो कैसे होता, प्रैक्टिस करने से। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा, नोट्स पढ़िए और प्रैक्टिस कीजिए तो आपको बेहतर नंबर आएगा। धन्यवाद सर। तो हम तो आपको बार बार समझाते हैं, क्वेश्चन बैंक जब आया था तो हम बोले थे जितना अधिक से अधिक बार हो सकता है, 10 बार, 15 बार, 20 बार, जितना अधिक हो सकता है उतना बार पढ़िए। और रिवीजन, रिवीजन तो जरूरी है ही, ठीक है। तो उस रोज तो आप आए नहीं, आइए। अब यहाँ पे ताली बजाना चाहिए, यहाँ पे नहीं बजाइएगा आप लोग। जहाँ पे जो काम करना चाहिए वहाँ पे नहीं कीजिएगा। चलिए, आप ज्वाइनिंग कहाँ किए हैं? मोती बेतिया ना, बेतिया 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 ना, बेतिया में इनका ज्वाइनिंग हुआ है, बेतिया। सोमवार या मंगलवार को ज्वाइन कर रहे हैं। चलिए ठीक ठीक है, फिर मिलते हैं। हो गया ठीक।